मैं आपको अपना पूरा स्कूल दिखाऊंगी, मेरा स्कूल बाहर से ऐसा है पूरा दिखाऊंगी, अंदर से कैसे कहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ सब कुछ इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। अपने स्कूल के अंदर ये रहा हमारा स्टाफ रूम और ये थोड़ा कैबिन टाइप बना है प्रिंसिपल मैम का, बाहर से विंडो है और ये कुछ फोटोज़ वगैरह हमारे स्कूल का, जैसे कोई ओकेशंस वगैरह की पिक्चर से। आप आ चुकी हूँ अंदर अपने स्कूल के, मैं अभी आपको पूरा स्कूल राउंड में पूरा दिखाऊंगी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये सारी क्लासेस है, सारी बड़ी बड़ी क्लासेस जैसे 9th, 10th, +1, +2 ये सब क्लासेस यहाँ पर आती है। और ये जो पीछे दिख रही है ये कैंटीन्स है हमारे, जो दिख रहा है ये हेड है हमारे स्कूल के सर और उनका है ये कैबिन। और ये रहा हमारा छोटू सा पुनीत। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं शाम के टाइम में स्कूल आई हूँ, ये भी कुछ पापा की जान पहचान के कारण, वरना स्कूल में तो अलाउड नहीं है इस टाइम के बाद आना। और अगर मैं उस टाइम में बनाती जिस टाइम स्कूल चल रहा होता तो काफ़ी डांट भी पड़ सकती थी मुझे, इसलिए मैं इस टाइम आई हूँ शूट करने के लिए। अभी कोई नहीं है, पूरा स्कूल खाली है। अपनी क्लासेस की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे यहाँ पर ना सीधा जाते हुए 4 क्लासेस आती हैं और चारों में से तीसरे नंबर वाली क्लास 8th क्लास है। यहाँ पर 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक बैठती है। ये पूरी कॉरिडोर है पूरा इस समय खाली है। और ये वाली है मेरी क्लास फिलहाल, तो अभी इस पर बंद ही क्यों, हाँ बंद है, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकती पर बाहर से ये है मेरी क्लास। काश मैं अंदर से भी दिखा पाती पर कोई बात नहीं है कि इस पर ताला नहीं लगाए तो खुल जाएगा, पर ये अंदर से लॉक किया गया है। वो क्लासों के बीच में ना जॉइंट हुआ पड़ा है तो अंदर से किया हुआ है। दिखाऊंगी हमारे यहाँ के सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन्स। तो चलिए सबसे पहले तो ये छोटू सा गार्डन है, ये काफ़ी छोटू सा है पर अच्छा है जैसे लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि इस गार्डन में आमतौर पे कोई आता नहीं है ये लंच करने के लिए, और साथ में यहाँ पर गर्ल्स ज़्यादा होती हैं। मैं आपको अभी बड़ा वाला दिखाती हूँ, बड़ा वाला गार्डन। तो ये है बड़ा वाला गार्डन, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसमें सारे बॉयज़ वगैरह आमतौर पे खेलते हैं, गर्ल्स के लिए वो छोटू सा गार्डन ही, क्यूट सा गार्डन ही अच्छा लगता है। तो ये रहा हमारे स्कूल का गार्डन। अब मैं अंदर जाने लगी हूँ, हमारे जो स्कूल के हेड है जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अभी मैं उनसे मिलाऊंगी, वो हमें स्कूल, ये हमारे स्कूल के सर है, ये हमें स्कूल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे। अभी ये जो हमारा स्कूल है ग्रामर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये 47 से पहले का, जब ग्रेट ब्रिटेन का शासन था इंडिया पे तब इन्होंने स्कूल बनाए थे जिनका नाम था ग्रामर स्कूल। यहाँ पे मैडम कटिंग ग्रेस जो इंग्लिश लेडीज थी उसने ये स्कूल की शुरुआत की थी। उसके बाद खन्ना साहब, उसके बाद के तवन जी जो यहाँ पे गुरुपुर में डीओ थे वो चला रहे थे। अब 2011 से मैं स्कूल को यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपको अपने सर से मिलाया, स्कूल के हेड से मिलाया, तो अब मैं आपको बाकी की जगह दिखाती हूँ। ग्राउंड में आपको पहले दिखा चुकी हूँ दोनों, और वो साइड की क्लासें जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेस बैठती हैं, अभी तो मैं छोटी उसमें नहीं बैठती। अब मैं आपको दिखाऊंगी मतलब प्लेवे क्लास, मतलब छोटे बच्चों की क्लास, नर्सरी से भी छोटी क्लास। तो यहाँ पर है, अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है पर मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि इस समय पूरे स्कूल में लॉक लगा है हर जगह पर। और यहाँ है छोटे बच्चे का ग्राउंड, इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड, पर थोड़ा सामान रखा हुआ है क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन होना है, पार्ट होना है, तो कल ही है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। इधर वाली साइड हमारे टैप्स हैं, और क्या दिखाऊँ मैं यहाँ पर, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पौधे हैं, रोज़, लीली, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स और बहुत से अलग अलग पौधे आप देख ही सकते हो। पूरा स्कूल मतलब हमारा हरियाली से भरा हुआ है, ऐसा स्कूल है। और हमारा स्कूल बहुत ही प्यारा और अच्छा भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो अंकल है ये हमारे पूरे स्कूल की देखभाल करते हैं, पूरा संभालते हैं, ये बिल्कुल मेरे दादू जैसे हैं, और इनके हाथ में समझ लो पूरा स्कूल अच्छे से संभालते हैं। पूरा प्यारा सा मेरा स्कूल और हरियाली से, पेड़ पौधों से पूरी तरह भरा हुआ मेरा। गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कैसा लगा मेरा प्यारा सा स्कूल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।